बिना गारंटी मांगे, बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है, बिना गारंटी मांगे। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार। जैसे कि आपने सुना, अब आपको लोन लेने के लिए ना तो पैन कार्ड की जरूरत है, ना आपको गारंटर की जरूरत है। केवल आप घर बैठे कुछ मिनटों में कुछ क्लिक करने के बाद आसानी से बिना पैन कार्ड के, बिना गारंटर के सरकारी लोन ले सकते हैं। जो लोन आपको गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है उसे कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, कहीं से भी कट कट करके नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप वीडियो को कहीं से भी कट करते हैं या फिर स्किप करते हैं तो आप वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी गवा दें और आप घर बैठे उस लोन को ना ले पाएं जो आपको गवर्नमेंट आधार कार्ड के द्वारा देती है, जिसमें आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। आपको इस लोन को लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे आप घर बैठे केवल आधार कार्ड के द्वारा बिना किसी गारंटर के ऑनलाइन लोन को अप्रूव करा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, आपको उसमें भी अपना ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च करना है जन स्मार्ट। जैसे आप यहाँ पर जन स्मार्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो साइट है आ जाएगी। आपको सिंपल इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस तरह का लोन चाहिए, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन या फिर आपको लेबरहुड लोन चाहिए। जैसा भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो आपको यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन के नीचे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किस तरह का लोन चाहिए, मैं यहाँ पर अदर बिजनेस लोन सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है हैव यू पासड क्लास 8। अगर आपने क्लास 8 पास की है तो यस, अगर नहीं की है तो नो। उसके बाद यहाँ पर डीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप यस या फिर नो कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्ट नेचर ऑफ यूर बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है, हम यहाँ पर बिजनेस सर्विस सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको मेल फीमेल सेट कर देना है, मैंने यहाँ पर मेल सेट कर दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेट करनी है, हम यहाँ पर ओबीसी सेट कर देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे आप यहाँ पर नो या फिर यस कर सकते हैं। और अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर इन एरिया से हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, और अगर आप किसी अलग राज्य से हो तो यहाँ पर आपको नो करना है। और अगर आप किसी शहरी एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पर अर्बन सेट करना है, और अगर किसी गाँव के एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पर रूरल सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, और यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है जितने पैसे आपको बिजनेस चालू करने में लगेंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 4 लाख रुपए डाल देता हूँ, और हमने यहाँ पर अब 4 लाख रुपए डाल दिए हैं, हमारे बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है आपके पास बिजनेस चालू करने के लिए कितने पैसे हैं, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए 3 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 लाख रुपए डाल दिया है। अब यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट है वो 1 लाख रुपए बन चुकी है, यानी कि 4 लाख रुपए की हमें जरूरत है और 3 लाख रुपए हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हमें लोन लेने के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर टच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। यहाँ पर हमारे पास 2 स्कीम है, एक स्कीम में हमें यहाँ पर 1000 रुपए की EMI देनी पड़ेगी, 1,40,000 रुपए सब्सिडी अमाउंट है और 15 सालों के लिए हमें ये लोन दिया जा रहा है। नीचे की तरफ दूसरी स्कीम है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो लोन है इसे लेने के लिए हमें यहाँ पर 2120 रुपए पर मंथ जमा करना है और 5 साल के लिए हमारे पास ये लोन है। आपको इनमें से जो भी स्कीम अच्छी लगे वो स्कीम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई पर टच करना है, और यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक बार टिक मार्क करना है, और यहाँ पर आपको दोबारा ऐसे स्क्रॉल करना है, और सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एग्री पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको गेट OTP पर टच करना है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है, और यहाँ पर ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन हमें यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी यहाँ पर रहने दे सकते हैं, यहाँ पर आपको
स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर वो सभी डिटेल देख सकते हैं जो डिटेल आपने यहाँ पर डाली है। यहाँ पर आपकी स्कीम आ चुकी है। नीचे की तरफ स्क्रोल करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रोसेस पर टच करना है और प्रोसेस पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो आपने सिलेक्ट किया था वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अदर बिजनेस न्यू, यहाँ पर आपने यह सिलेक्ट किया था बिजनेस एंड सर्विस, मेल फीमेल में आपने मेल सेट किया था ओबीसी, या फिर आप यहाँ पर तमाम डिटेल देख सकते हैं जैसे कि रूरल इंडिविजुअल, 4 लाख रुपए आपने यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए डाले थे, सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस डिटेल में कुछ गड़बड़ लगती है, आपको लगता है आपने गलती से यहाँ पर कोई गलत डिटेल डाल दी है, तो आप एडिट पर टच करने के बाद उस डिटेल को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है। अब आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा, आपको ये जो फॉर्म है इसे फिलअप करना है। इस फॉर्म में आपको यहाँ पर सही सही जानकारी डालनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और इनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। आपकी जो इनरोलमेंट आईडी है वो 14 डिजिट की होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आवेदक नाम डालना है, परियोजक एजेंसी नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर राज्य का नाम डालना है और यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना है। अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर अपना जेंडर डालना है, जैसे कि आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, मेल या फिर फीमेल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना है, डेट ऑफ बर्थडे आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सामाजिक योग्य यानी के सोशल कैटेगरी यहाँ पर डालना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पर अपना ब्लॉक डाल सकते हैं, जिला आप यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड आपको यहाँ पर अपना डालना है और यहाँ पर आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी या फिर पैन नंबर, ये सब डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक डालना है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, पिन कोड, आप ये सब डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर गतिविधि प्रकार डालना है और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक विवरण, जिस बैंक में आपका पैसा आएगा उस बैंक का नेम आप यहां पर डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड आप यहां पर डालेंगे और बैंक ब्रांच का नाम आप यहां पर डालेंगे, एड्रेस यहां पर आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट जिला आप यहां पर डालेंगे और इसी तरह आप यहां पर अपने दूसरे बैंक की डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। आप जब इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे और यहां पर सेव एप्लीकेशन डाटा पर टच करेंगे तो आपको प्रोसेस पर टच करना है और कुछ मिनटों के बाद ये जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है यहां पर मैं आपको फिलअप करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल हो सकती है जो कि मैं यहां पर शो नहीं कर सकता। और इस तरह आप बड़ी आसानी से आधार कार्ड के द्वारा लोन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है इस गवर्नमेंट से रिलेटेड लोन को लेकर तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।